नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में यूपी पुलिस, मंडी अधिकारी, कई सारे स्टेट गवर्नमेंट के पेपर और आने वाले कुछ दिनों में आपका एसएससी सीजीएल का पेपर भी आने वाला है। मद्देनजर रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है जिसमें कि हम पिक्चर के माध्यम से अपने करंट अफेयर्स को तैयार करेंगे और अपने करंट अफेयर्स के सेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इस पूरे वीडियो को दो भागों में मैंने डिवाइड किया है। शुरू में मैंने कुछ करंट अफेयर्स को डाला है और बाद में मैंने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स को डाला है जो कि आने वाले एग्जामिनेशन में आपकी बहुत मदद करेगा। अगर किसी ने आपका यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का पेपर दिया होगा, वैसे करीब करीब 14 लाख लोगों ने दिया है, तो उनको पता होगा कि जो जीएस का सेक्शन होता है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड स्कोरिंग सेक्शन होता है किसी भी एग्जामिनेशन में। और दोस्तों, जनरल साइंस एक ऐसी चीज़, जो जनरल नॉलेज है वो एक ऐसी चीज़ है जो एक रात पढ़कर आप एग्जामिनेशन में सही नहीं कर सकते। उसके लिए आपको उसको डेली के बेसिस पर पढ़ना पड़ेगा, इमेजिन करके पढ़ना पड़ेगा, विजुअलाइज करके पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो मेरा वीडियो है ये आपके विजुअलाइजेशन में बहुत मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों, निकलते हैं आज के सफ़र पर और जानते हैं हमारे देश और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो घंटी ज़रूर बजाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ओपन रखें ताकि कल जब मैं और भी वीडियो इसके रिलेटेड डालूं तो वो आप लोगों को आसानी से नोटिफिकेशन से प्राप्त हो सके। चलिए निकलते हैं आज के सफर पर। पहला करंट अफेयर आता हुआ ये, तो दोस्तों आज की जो सबसे पहली करंट अफेयर है हम उसके बारे में जानते हैं। एक किताब लिखी गई थी दोस्तों, द बिग रिवर्स, हाउ डीमोनेटाइजेशन नॉक्ड इंडिया आउट। आपको बताना है कि इस किताब को किसने लिखा है, क्योंकि किताबों के जो क्वेश्चन गए हैं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के लिए बड़े अच्छे हैं। तो इस किताब को लिखा है आपका मीरा सान्याल ने। मीरा सान्याल आपका रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की पूर्व CEO रह चुकी हैं। ये कोची में पैदा हुई थी। अगला है दोस्तों, ऑफ काउंसिल द चैलेंजेस ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी। इस किताब को हमारे देश के पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने लिखा है। अगला है दोस्तों, फ्री ट्रेड एंड प्रोस्पेरिटी। इसको लिखने वाले का नाम है अरविंद पनगरिया। अरविंद पनगरिया नीति आयोग के आपके वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। नीति आयोग के ये वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है, फ्री ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी। अगला जो करंट अफेयर है दोस्तों, कि ये जो तस्वीर जिनकी आपको वीडियो में नज़र आ रही है स्क्रीन पर, इनका नाम है अशोक कुमार गुप्ता। ये 1981 तमिलनाडु IAS कैडर बैच के हैं और इन्हें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उसके बाद दोस्तों अवार्ड्स, एक अवार्ड होता है जिसका नाम है ग्लीट्स मैन अवार्ड 2018। आपको बताना है कि ये जो ग्लीट्स मैन अवार्ड 2018 है ये इस बार किसे दिया गया है। इनका बड़ा फेमस नाम है, ये पाकिस्तान की रहने वाली हैं। 17 साल की उम्र में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था पीस के लिए और ये सबसे यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर हैं पीस में। इनका नाम है मलाला यूसुफ जाई। इस बार का जो ब्रीट्समैन अवार्ड 2018 है वो आपका मलाला यूसुफ जाई को दिया गया है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर मलाला यूसुफ जाई की ज़िंदगी पर प्रकाश ज़रूर डालिएगा, उनकी हिस्ट्री को जानिएगा कि किस तरह उन्होंने अपने आप को सारी प्रॉब्लम से बचाते हुए
काफ़ी कुछ सहते हुए एक अच्छा कंट्रीब्यूशन, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया हमारे सोसाइटी में, जिसके लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया। और इस बार का जो ग्लिट्समैन अवार्ड 2018 है वो भी आपका इन्हें दिया जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ और है कि नोबेल प्राइज पीस प्राइज 2014 में जो मलाला यूसुफजई को मिला वो आपका इन्होंने एक भारतीय के साथ शेयर किया था जिनका नाम बहुत बड़ा है। उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी, बचपन बचाओ आंदोलन। मतलब कि दोस्तों ये भारत के सबसे बड़े बच्चों के मानवाधिकार के लिए लड़ने वाले सबसे बड़े एक्टिविस्ट कहलाते हैं। इनका नाम है कैलाश सत्यार्थी, बचपन बचाओ आंदोलन इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। इन्होंने कई सारे कैंपेन चलाए हैं हमारे देश में बच्चों की राइट के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों की चाइल्डहुड के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो दुकानों में काम करते हैं, फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, एक्सप्लोजिव फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, उनके लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं उनकी ज़िंदगी को संवारने के लिए। ये एक एनजीओ भी चलाते हैं। इन दोनों लोगों की लाइफ में आप ज़रूर प्रकाश डालिएगा आप लोग, अगर कभी वक्त मिले तो। तो ये था आपका एक और करंट अफेयर, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, एक कंट्री है उसका नाम लिखा हुआ है सेशल आइलैंड। ये एक आर्किपेलगो कंट्री है, मतलब कि एक उपमहाद्वीप का समूह है, मतलब कई सारे आइलैंड्स का समूह है। इनसे हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं क्योंकि जल्दी ही हम अपना एक मिलिट्री बेस कैंप बनाने वाले हैं यहाँ पर इनके एक दिए गए आइलैंड पे, जिनका नाम है एजम्पशन आइलैंड। और दोस्तों ये पूरे विश्व की सबसे पहली कंट्री बनी जिसने आपका 15 बिलियन डॉलर का सोवेरेन ब्लू बॉन्ड आपका लॉन्च किया है। ब्लू बॉन्ड आपका लॉन्च किया है। अगला है दोस्तों, जैसा कि आप लोग को नजर आ रहा होगा और आप लोग को पता होगा कि 2018 में जो हॉकी मेंस वर्ल्ड कप है उसकी मेजबानी इंडिया ने किया और ये आपका कलिंगा स्टेडियम में हुआ जो कि उड़ीसा में स्थित है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये जो हॉकी वर्ल्ड कप है 2018 का, उसका ऑफिशियल पार्टनर कौन था, कौन सी कंपनी उसकी ऑफिशियल पार्टनर थी। और जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इस कंपनी का नाम है टाटा स्टील। अगला है दोस्तों कि इस बार का जो ज्ञान कुंभ है वो कहाँ पे हुआ, जिसको इनॉग्रेट किया हमारे देश के महामहिम रामनाथ कोविंद जी ने। आपको बताना है इस बार का ज्ञान कुंभ कहाँ पर हुआ। इसका सही उत्तर है दोस्तों हरिद्वार। हरिद्वार में आपका इस बार का ज्ञान कुंभ हुआ दोस्त 3 से लेकर 4 नवंबर के बीच में। अगला है दोस्तों कि एक स्कीम है सौर जल निधि स्कीम। इस स्कीम से दोस्तों जो हमारे किसान हैं वो सोलर एनर्जी से पैदा होने वाली ऊर्जा से अपने खेत में सिंचाई कर पाएंगे। आपको सिर्फ ये बताना है कि सौर जल निधि जो स्कीम है वो किस गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है, किस स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और जैसा कि आप लोगों को तस्वीर में नज़र आ रहे होंगे ये नवीन पटनायक है और इस स्टेट का नाम है उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख रहे होंगे पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल। दोस्तों इस पूरे के पूरे जो पटना मेडिकल कॉलेज है उसको पूरे के पूरे इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। इसमें टोटल आपकी 5462 बेड का पूरा अस्पताल होगा और इसमें करीब करीब 5540.7 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी इस पूरे के पूरे मेडिकल कॉलेज को इंडिया का सबसे बड़ा अस्पताल में बदलने के लिए। अगला है दोस्तों कि जैसा कि आप इस तस्वीरों में देख रहे होंगे ये एक बाघिनी है जिनका नाम आपका अवनी था।
कुछ दिन पहले इनका इनका शिकार कर लिया गया, मतलब कि सरकारी लोगों के द्वारा ही। आप देख रहे होंगे कि इनके जो पेट है उसमें आपका एक, ये आपको नज़र आ रहा होगा, उनके पेट में एक आपका इंजेक्शन लगा पड़ा है जिससे कारण इनकी मौत हो गई है। आपको ये बताना है, जिसको लेकर बहुत सारा बवाल उठा, जो महाराष्ट्र के राज्य हैं उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर इस सारी चीज़ों का दोष मढ़ा। आपको बताना है कि ये किस जिले से बिलोंग करती थी। ये दोस्तों महाराष्ट्र में एक जिला है यावतमाल, वहाँ से ये बिलोंग करती थी और वहीं पर इनको डेड शॉट किया गया, टिग्रेस अवनी। अगला है दोस्तों, आइए दोस्तों अब जानते हैं कुछ उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में, जो आने वाले मंडी परिषद के एग्ज़ाम में और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपी पुलिस के एग्जामिनेशन में आपकी मदद कर सकता है। पहला है दोस्तों कि एक कैंपेन था युवा उद्घोष, जिसको अमित शाह ने इस बार बनारस में आपका लॉन्च किया। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो युवा उद्घोष है, जो एक कैंपेन है, वो आपका अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के किस सिटी से लॉन्च किया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वाराणसी। उसके बाद दोस्तों अगला है कि आपको ये जो डेस्कटॉप पे आपके वीडियो पे ये जो ब्रिज नज़र आ रही है, इस ब्रिज का नाम है महे सारा ब्रिज, जो कि आपका ईस्ट यूपी को नेपाल से जोड़ेगी। इसकी टोटल लंबाई है दोस्तों 62 मीटर, जिसको बनने में आपका 9.25 करोड़ रुपए आपके लगे हैं और ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को
सुनौली से जुड़ेगा। सुनौली जो आपका नेपाल में एक जगह है उससे जुड़ेगा ये ब्रिज। इसको इनॉग्रेट आपका योगी आदित्यनाथ ने किया, जिन्होंने एज अ एमपी के तौर पे, जब वो उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री नहीं थे, काफ़ी आवाज़ उठाई थी कि एक ब्रिज ऐसा बनना चाहिए। अगला है दोस्तों कि इस बार का जो नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ 22वां 2018 में, जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है हर साल स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, आपको बताना है कि इस नेशनल यूथ फेस्टिवल का 22वां संस्करण कहाँ पर आपका आयोजित किया गया। ये उत्तर प्रदेश की टेक्निकल जो यूनिवर्सिटी है, गौतम बुद्धा टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि ग्रेटर नोएडा में स्थित है, वहाँ पर आपका इसको आयोजित किया, इसको इनॉग्रेट किया हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। अगला है दोस्तों कि एग्रीकॉन 2018, ये एक समिट थी एग्रीकल्चर पे। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में इसका आयोजन हुआ था। इसका सही उत्तर है दोस्तों कानपुर। अगला है दोस्तों इंडियन कुलिनरी इंस्टीट्यूट। इसका जो दूसरा ब्रांच है वो आपका खोला गया है उत्तर प्रदेश के किसी एक शहर में। आपको बताना है कि इंडियन कुलिनरी इंस्टीट्यूट का जो दूसरा ब्रांच है वो आपका कहाँ पे खुला है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नोएडा। नोएडा में आपका इंडियन कुलिनरी इंस्टीट्यूट का नया ब्रांच खुला है। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि इसका पहला ब्रांच जो है वो आपका तिरुपति में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। अगला है दोस्तों कि ये जो ब्रिज है, आप लोग को जो तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, जो कि पहले प्ले हो गया, इस ब्रिज का नाम है फाफा महू ब्रिज। फाफा महू इलाहाबाद में एक जगह है। जब आप इलाहाबाद से बनारस की तरफ जाएंगी तो नैनी के पास एक छोटी सी जगह पड़ती है जिसका नाम है फाफा महू। आपको बताना है कि ये जो ब्रिज बनाया जा रहा है ये करीब करीब 9.9 किलोमीटर का ब्रिज है, आप जो कि गंगा रिवर पे बनाया जा रहा है। आपको बताना है कि ये ब्रिज आपका कौन सा नेशनल हाईवे का पार्ट होगा। ये आपका नेशनल हाईवे 96 का पार्ट होगा और इसका नाम है फाफा मऊ, जो कि इलाहाबाद में एक छोटी सी जगह है। अगला है दोस्तों कि जैपनीज एंसीफेलाइटिस से लड़ने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने एक ऐप का लॉन्च किया है जिसका नाम है JEAES गोरखपुर, जो कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा गूगल प्ले स्टोर की एक पिक्चर है। JEAES जैपनीज एंसीफेलाइटिस से लड़ने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने एक नए एप्लीकेशंस को लॉन्च किया है जिसका नाम है आपका स्टॉप JEAES। दोस्तों ये एक तरह की दिमागी बुखार होता है, छोटे बच्चे इसकी चपेट में आते हैं और अगर आप थोड़े से अपने दिमाग पर जोर डालेंगे और बैकवर्ड जाएंगे, अपने पास्ट में जाएंगे, तो आपको याद होगा कि जब योगी आदित्यनाथ नए नए चीफ मिनिस्टर बने थे उस वक्त आपका गोरखपुर के एक मेडिकल हॉस्पिटल में, सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल में बहुत सारे बच्चों की जैपनीज एंसिफेलाइटिस से मौत हो गई थी, जिसको लेके बहुत सारा बवाल उठा था उत्तर प्रदेश में। अगला है दोस्तों कि इंडियन कारपेट एक्सपो ये इस बार कहाँ पर हुआ, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ। इसका सही नाम है वाराणसी। वाराणसी में दोस्तों इस बार का इंडियन कारपेट एक्सपो आपका इनॉग्रेट, या कह सकते हैं ये कैंपेन आपका लॉन्च किया गया। अगला है दोस्तों कि ये जो आप लोगों को तस्वीर में नजर आ रही होगी, इसे हम लोग कहते हैं रैपिड एक्शन फोर्स। रैपिड एक्शन फोर्स आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश में चौथा बेस ऑफिस इनका उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाया जा रहा है। इसका भी उत्तर है दोस्तों वाराणसी। वाराणसी में आपका रैपिड एक्शन फोर्स का एक बेस कैंप बनाया जा रहा है। ये चौथा बेस कैंप है आरपीएफ का उत्तर प्रदेश में। इससे पहले ये बेस कैंप आपका अलीगढ़, मेरठ
और कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है कि अलीगढ़, मेरठ, बनारस के अलावा वो तीसरा कौन सा शहर है जहां पर आपका रैपिड एक्शन फोर्स का बेस कैंप बनाया जा रहा, बन चुका है, अभी तो बनाया आपका यूपी में जा, वाराणसी में जा रहा है। अगला है दोस्तों कि वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट स्कीम में आपको बताना है कि यूपी के किस किस जिले से किस किस प्रोडक्ट को आपका चूज किया गया है। तो पहला है दोस्तों बनारसी सिल्क, साड़ीज टू कारपेट, मतलब बनारसी सिल्क की जो साड़ी होती है और कारपेट, ये आपका भदोही से लिया जाएगा। चिंकारी, ये लखनऊ से। लेदर गुड, कानपुर। लेदर फुटवेयर, आगरा। लॉक, मतलब कि जो ताला चाबी होती है, वो अलीगढ़। ब्रासवेयर, ये आपका मुरादाबाद, पीतल नगरी। स्पोर्ट्स गुड, मेरठ। और आपका जो वुडन प्रोडक्ट है वो लिया जाएगा आपका सहारनपुर से। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी ना किसी एक डिस्ट्रिक्ट के गुड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है आने वाले एग्जामिनेशन में। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। और दोस्तों आज का जो आखिरी करंट अफेयर है वो ये है कि दिवाली के कुछ दिन बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आपका इंटरमोड टर्मिनल प्रोजेक्ट को आपका इनॉग्रेट किया, जो कि आपका नेशनल वाटर वनवे पे है। नेशनल वाटर वनवे वो है जो कि आपका वाराणसी से हल्दिया तक है, हल्दिया आपका कलकत्ता में एक जगह है वहाँ तक है। आपको ये बताना है कि सबसे पहला किस चीज़ का जो कंसाइनमेंट है, किस चीज़ का कंटेनर कलकत्ता से वाराणसी गया वाया NW1। और दोस्तों इसका सही उत्तर है पेप्सिको, एक कंपनी है जिसका नाम आप सबको जानते होंगे, पेप्सी जिसकी हम पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक है, उसके 16 कंटेनर आपके कलकत्ता से वाराणसी भेजे गए वाया NW1। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मेरे को इम्पोर्टेंट लगा और मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया। तो दोस्तों ये था आपका कुछ इम्पोर्टेंट सा वीडियो, कुछ इम्पोर्टेंट सा करंट अफेयर। उम्मीद है ये आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी लोगों की मदद हो सके। तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ, फिर हाजिर होऊंगा नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। और अगर आप लोगों के दिमाग में भी कोई कॉन्सेप्ट है तो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसे अपने वीडियो में इंक्लूड कर सकूं। और जो सवाल मैंने इस वीडियो में आपसे पूछा है, आशा करूंगा कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देखेगा एक बार उन सवालों पर गौर करेगा और उन सवालों के उत्तर को खोज कर आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। तो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर योर अपकमिंग पेपर। गुड नाइट, टेक केयर, गुड बाय दोस्तों।